मैं बिंदु जितेंद्र पारचे, बेबी ऑफ पायल की नानी। हम जब जिस वक्त बच्चे की डिस्चार्ज लगा के हीलिंग से घर ले गए, तो उस वक्त हमारे बच्चे की उसी रात तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई, क्योंकि हमारी कंडीशन ऐसी नहीं थी कि हम प्राइवेट रूम में हॉस्पिटल में ज़्यादा टाइम तक बच्चे का ट्रीटमेंट करा सकें। घर ले जाने के बाद हम दूसरे दिन मॉर्निंग में फिर से हम दोबारा 21st को लेके गए। उसके बाद हमने हीलिंग वालों ने बच्चे को ठीक से स्टेबल करके दे दिया। स्टेबल करने के बाद हम बच्चे को PGI रेफ़र करा लिया। PGI रेफ़र कराने के बाद हम वहाँ पे गए, तो वहाँ पे डॉक्टरों ने हमें दोपहर के 2:30 बजे के करीब हम गए, शाम को 4:30 बजे डॉक्टरों ने कह दिया कि बच्चे के पास अब 1 घंटे का वक्त है, 2-3 घंटे का वक्त है, आप देख लो। जो हीलिंग में रमन मैम ने फिर हमें कहा कोई बात नहीं, आप टेंशन मत लीजिए, मैं आपकी पूरी सपोर्ट करूँगी। तो उन्होंने मुझे आयु हेल्थ की मैम से मिलवाया, फ़ोन पे ही कांटेक्ट कराया चांदनी मैम। एक तरफ रमन मैम की कोशिश रही, एक तरफ चांदनी मैम की। चांदनी मैम ने हमें 2 बार हमारी डॉक्टर बेदी से हमारी बात, विक्रम बेदी से बात कराई, बेदी हॉस्पिटल के डॉक्टर हैं जो, उन्होंने 2 बार मुझसे कांटेक्ट किया। लेकिन उस बीच हमारे बच्चे के पास हमें कभी PGI वाले कह रहे थे कि अभी 2 घंटे, कभी कह रहे 1 घंटा है, उस बीच हमें कुछ समझ नहीं आ रहा था। अभी चांदनी मैम ने हमारी पूरी सपोर्ट की, हमें कांटेक्ट करते रहे। और फिर उसके बाद जब हमारी बात डॉक्टर से हो गई, डॉक्टर से बात होने के बाद डॉक्टर ने कहा कोई बात नहीं मैम, हम आपके लिए 1/2 घंटे, 1 घंटे पहले जब भी हम एम्बुलेंस भेज देंगे, आप टेंशन ना लो, हमारा पूरा सपोर्ट है आपके साथ। फिर हमने 1/2 घंटे पहले से ही हमारी एम्बुलेंस बाहर खड़ी थी बेदी हॉस्पिटल की। बेदी हॉस्पिटल से विक्रम डॉक्टर ने कहा आप टेंशन मत लीजिए, जैसे ही PGI वाले कह देंगे आपने एम्बुलेंस में सीधा हॉस्पिटल आ जाना। उस बीच हम बच्चे को लेके यहाँ पे आए। बच्चे को लेके यहाँ आने से पहले मेरे लिए सबसे बड़ा सवाल था पैसों का। मुझे ये टेंशन थी अगर हम बच्चे को ले भी गए, 20 दिन 20,000 15,000 एक दिन का खर्चा हम कैसे संभाल पाएंगे। बस उसी बीच मैंने अपने जॉब पे अपने सर को फ़ोन किया। फ़ोन करके बाद सर ने कहा कोई बात नहीं, आप किसी बात को मत सोचो, जो जितना पैसा लगेगा हम बच्चे के लिए करेंगे। फिर आयु हेल्थ की मैम को मैंने कॉन्टेक्ट किया, चांदनी मैम को। चांदनी मैम को कहा मैम कोई बात नहीं, आप हमारे लिए एम्बुलेंस भेज दीजिए। एम्बुलेंस हमारे लिए आ गई, तुरंत ही आ गई। आने के बाद उन्होंने बच्चे को हॉस्पिटल से जल्दी से अपने अंडर लिया। वहाँ से आने के बाद फिर बाद में हम बेदी हॉस्पिटल पहुँचे। बेदी हॉस्पिटल पहुँचने के बाद चांदनी मैम से हमारा कॉन्टेक्ट था ही। विक्रम बेदी सर ने हमें पूरी तरह से बच्चे को करके एकदम हमें एक रात में उन्होंने वो कंडीशन बताई ना बच्चे की, कि जो हम सोच भी नहीं सकते थे कि हमारे इस बच्चे का दूसरा जीवन मिलेगा। उसके बाद 1 हफ्ते तक बच्चे को वेंटिलेटर पे, 3-4 दिन के लिए वेंटिलेटर पे रखा। जितनी कोशिश डॉक्टरों ने की हमारे लिए बहुत ज़्यादा की, जो हम बता भी नहीं सकते। बस मैं यही कहना चाहती हूँ, जब भी कोई ऐसी सिचुएशन हो ना, तो आयु हेल्थ की हेल्प लीजिए, क्योंकि शायद किसी की ऐसी कंडीशन हो तो उन्हें कुछ इस चीज़ का मौका मिले कि दोबारा से बच्चे को जीवन मिले। सपोर्ट थी हमारे बच्चे को वेंटिलेटर की, जो PGI में अवेलेबल नहीं। डॉक्टर विक्रम, जिनके तो मतलब हम बोल भी नहीं सकते कि वो हमारे लिए क्या है। एक दूसरी ज़िंदगी जो मिलती है ना, भगवान ने पैदा किया है हमारे लिए, भगवान भी वही है। बस मैं यही कहना चाहती हूँ, सबसे बड़ा हाथ तो मेरे सामने, बस एक यही मैसेज देना चाहती हूँ कि जब भी ऐसी कोई सिचुएशन हो, इस सिचुएशन में आप लोगों ने आयु हेल्थ की हेल्प लीजिए।